एक दिन हमारी जॉइंट पब्लिक मीटिंग हुई, मैं उनको जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे, तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे, काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे, तो मैंने उनको देखा चलते हुए, तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए, तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले दो दो घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले दो घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने दो घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था, और जो वो उन्होंने मुझे दो तीन घंटे में बताया वो एक रिश्ते की शुरुआत थी, और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं राजनीति के बारे में, और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है उसके बारे में, तो काफी दुख हो रहा है। मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं खोई। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है, और शरद यादव जी ने कभी नहीं खोई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।